हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर सोनू एम के बी यूट्यूब चैनल। और आज मैं लाया हूँ वाटर अलार्म, अर्थात जब आप टुल्लू चलाते हैं और आपका पानी फ्लो होता है उसे आपको पता नहीं चलता, इसके लिए अलार्म आया हुआ है मार्केट में जिसको वाटर अलार्म बोला जाता है। और ये डीसी और एसी दोनों होते हैं। डीसी में मित्रों ये ट्रांसफार्मर नहीं लगती होती है, यहाँ पर दो बैटरी ले जाती है 1.5 वोल्ट की जो निप्पो से लाती है, 5-6 रुपये को लगता है, ठीक है। और उसको एसी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 606, और उसको आप कनेक्शन दे देंगे तो आपको एसी हो जाएगा। कनेक्शन कुछ इस प्रकार होते हैं, प्लाईवुड लगा करके यहाँ से ब्रिज बना करके बस निकाले थे 20 से माइनस, और कैपेसिटर जाता है, करंट फिल्टर होगा, यहाँ से एसी निकल जाता है। और ये इसकी मेन जो डायग्राम चिप है उसी में सब लोड होती है, स्पीकर है और ये जो है। और इसकी मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ कैसे करना है और काम कैसे करता है, ये आपको मैं दिखा दूँ। जब लाइट देंगे तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगा। मैं इसको फिट कर देता हूँ, ये रिपेयरिंग में आया था हमारे यहाँ, तार टूट गया था उसको हमने सोल्डिंग कर दिया है और ये काम करना शुरू हुआ। मैं इसको कैसे पूरा बताता हूँ। और मित्रों ये कस के रेडी है और इसका मूल्य मार्केट में 200 रुपये प्राइस चल रहा है। अलग अलग कंपनी अलग मॉडल के अलग रेट हो सकते हैं। नॉर्मली रेट इसके 200 रुपये चल रहा। और इसमें ये LED इंडिकेटर है और एक सिग्मा कंपनी का है, वाराणसी का बना हुआ है। और कनेक्शन के लिए इसमें सिंपल है मित्रों, ये दोनों वायर जो देख रहे हैं आप टैंक के एक ही बार ढक्कन के पास ले जाइए, जो एक्स्ट्रा होल होता है जैसे यहाँ पर देखिए तो पानी फ्लो होता है, और दोनों तार इसी में डाल दीजिए। ध्यान रहे कि दोनों तार एक ही में सटे नहीं। जब पानी जो लेवल जो है यहाँ से जब भरना शुरू होगा, जब धीरे धीरे ऊपर आके पानी फ्लो होगा तो दोनों तार में टच हो जाएगा तो फिर ये ऑन हो जाता है, तो बजने लगेगा। इसके लिए मित्रों 10-40 का आप तार ले लेंगे, 10-40 ऐसे तार होते हैं 10-40, या फिर आप 0-50 के डबल वायर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो टंकी की जो बॉडी होती है एल्यूमिनियम बॉडी उसमें भी आप इसका वोल्टेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें DC करंट रहेगा मित्रों, ये ना कि आप AC करंट दे दें अन्यथा पूरे घर में लाइट आ जाएगी तो हानि हो जाएगा लोगों का। इसमें DC करंट है, इसी को डरने कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइट नहीं मारेगा और इसको आप यूज कर लेंगे। कनेक्शन जो था ढक्कन के दोनों पास लगाना है। अब जब लोहे का पाइप लगाएंगे तो उसमें जो है उतनी अच्छी काम नहीं करे, क्योंकि बहुत बार उसमें प्लास्टिक लगा होता है तो काम नहीं करता है, मुरछा लगता होता है। मैचिंग के लिए दो आप वायर लीजिए और यहाँ पर दोनों यहाँ पर ढक्कन पर लगा दीजिए कि जब पानी का लेवल ऊपर आएगा तो टच हो जाएगा तो ये ऑन हो जाया करेगा, ठीक है। ये केवल स्विच का ही काम करता है और इंडिकेट करेगा कि पानी भर गया है, पानी फ्लो हो रहा है। अब इसको टेस्टिंग में आपको दिखा दूँ, ये हमारे यहाँ 200 रुपये में उपलब्ध है। इसकी रिपेयरिंग के वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए हमने लाइट दिया, ऑन हो गया और ये हमने इसको दबा रहे हैं तो ये देखिए इसमें ऐसी आवाज़ आती है। पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। मोटर विंडो फिर होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।